टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। पेट की आग क्या होती है, आज मोतिहारी में उस वक्त देखने को मिली जब इस लॉकडाउन में फंसे मजबूर मजदूर को खाना खाए 2 दिन से अधिक समय हो गया था। बस क्या था, जब पेट की आग ज्वाला में तब्दील होने लगी तो दोनों युवक मोतिहारी बाईपास स्थित एक पुलिस चेकिंग पोस्ट पर पहुंचे व अपनी आप बीती वहां मौजूद पुलिसकर्मी व प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पत्रकारों को बताई। दोनों की मासूमियत व मजबूरी देख सबसे पहले पुलिसकर्मियों ने इन दोनों को भरपेट खाना खिलाया व उसके बाद मीडिया के साथ ही उसके सूचना। जिले में कोरोना वायरस का कार्य कर रही एक संस्था बिहार नवयुवक सेना के संस्थापक अध्यक्ष अनिकेत पांडे को दी, जहां निकेत की तबीयत खराब होने के बावजूद तुरंत अपने साथियों के साथ कच्चा भोजन सामग्री पहुंचाई गई व नगद राशि भी भेंट की गई। वहीं जब पुलिस कर्मियों को जब ये पता चला कि इन कच्चे खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए इनके पास गैस भी नहीं है तो तत्काल वहां के दंड अधिकारी ने एक नया भर्ती सिलेंडर भी दिया और वहां मौजूद सभी लोगों से उसे आर्थिक सहायता राशि भी दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पुलिस वाले आज मानवता की मिसाल पेश करते हुए दूसरे प्रदेश से आए इन बेसहाराओं का सहारा बन रहे हैं, वह इन्हें एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। आए दिन जहां पुलिस की छवि आम जनता के बीच खराब हो रही थी, वहीं इस वैश्विक महामारी के दौर में पुलिस का एक नया रूप भी देखने को मिल रहा है। बेचारा है, घिरा गया है, घिराने से कोई दिक्कत है, अपना दुख हमको सुनाया, मुझे मन में आया कि नहीं कुछ मदद करना चाहिए, क्योंकि भूखे हैं, दे दिए कि खाए पिएगा उसको। मेरा नाम निजू खान है, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। अभी हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, उसी माध्यम को लेकर हम सोचे सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, हो सके तो हम लोग को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। खाना पीना को रहने का और थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ऐसे लॉकडाउन हम लोग बाहर आसाम से रहने वाले तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत परेशानी हो रहा था, सोचे चलो सर से बात कर लेंगे, हो सके कुछ हेल्प मिल जाएगा, तो इसी के माध्यम से आए थे सर से रिक्वेस्ट करने के लिए। आप लोग कितने लोग हैं अभी यहाँ पे? 12 लोग हैं सर। खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आप लोग कितना दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? सर लॉकडाउन होने से आए थे, 15-20 दिन पहले आए थे। अच्छा, क्या काम करते हैं सर? ये कृषि विभाग की ट्रेनिंग चलती है, उसमें ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। अच्छा, खाने पीने की दिक्कत कब से है आपको? सर खाने पीने का लॉकडाउन हुआ, ख़त्म हुआ और 15-20 दिन से होने शुरू हो गया। तो यहाँ किराए पर रह रहे हैं आप लोग? जी सर। आपका नाम? MD इम्तियाज हुआ सर। घर कहाँ हुआ आपका? समस्तीपुर। पहले मैं पूरे जिले वासियों को नमस्कार करता हूँ और ख़ास करके मैं जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, और मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण सूचना आपने हमको दिया। अगर आपने हमको सूचना नहीं दिया होता तो शायद इन लोग का जो सेवा हम किए वो नहीं कर पाते, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप जानते हैं कि लगभग एक माह से ऊपर से हम लोग ज़िले के कोने कोने में अगर कोई भी व्यक्ति फ़ोन कर रहा है तो 2 घंटे के अंदर हम लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो जिसमें सबसे बड़ा माध्यम आप लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, या फिर भी हमारे जो भी सोशल वर्कर हैं या गाँव समाज के भी जो लोग हैं फ़ोन करके हम लोग को बता रहे हैं, तो मैं उन लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोग हमारा जरिया है इन लोग के पास पहुँचने का। ठीक है, यही हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई भी दिखाई दे ऐसा, हमें फ़ोन करके बताएं, हम लोग ज़रूर 2 घंटे के अंदर में राशन पहुंचाएंगे।